रेड बटन दबाकर सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड फैक्ट। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू डाउनलोड सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ऑटो कैड, स्टेट प्रो, रैबिट, ई टैप्स एंड मैनी मोर सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फोटोशॉप, लाइक दैट। सो किस तरह से आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आप जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर, ये हमारा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट। सो बेसिकली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर को भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। ठीक है, तो हमारे चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पर, हम जॉब से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मसले जितने भी होते हैं सारा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और साइड नॉलेज भी, साइड वर्क की भी वीडियो हमारे चैनल पर डलती रहती हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और कमेंट बताइए किस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप से अपने या कंप्यूटर से आपको एक सिंपल ब्राउज़र ओपन करना होगा। ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर गूगल अपना ओपन कर लेते हैं। तो आपको जो है गूगल में डालना पड़ेगा www.autodesk.com एंड एजुकेशन भी आपको लिखना होगा। आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पर ऑटोडेस्क स्टूडेंट कम्युनिटी फ्री सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज ऑफ एजुकेशन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो गाइस, जब वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो क्या अकाउंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, साइन इन। ठीक है, आपको सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है और अकाउंट साइन इन, ये रहा साइन इन, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, साइन इन पर क्लिक कर दिया है, अब ये प्रोसेसिंग हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, ये हमारा प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, तो साइन इन के पर क्लिक करने के बाद आपको देखो, अगर आपने पहले से ईमेल क्रिएट कर रखा है इस वेबसाइट पर, आप तो यहाँ से सिंपली लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर अदरवाइज क्रिएट अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है पहली बार जा रहे हैं तो आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट करने के लिए आपको क्या है, एक फॉर्म मिलेगा, आपको ये फॉर्म फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर अपना लास्ट नेम, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए जो आपकी जीमेल आईडी है, यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करा दीजिए ईमेल, यहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और देखिए एटलीस्ट वन लेटर होना चाहिए पासवर्ड में और एक नंबर्स का कम्बिनेशन होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3 यूनिक कैरेक्टर्स। ठीक है, आप 3 यूनिक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा क्रिएट अकाउंट पर। ठीक है, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन ईमेल आएगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट कन्फर्म हो जाएगा। तो मेरे अकाउंट पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इस वजह से मैं रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपली फिर हम साइन इन पर करते हैं। आप क्रिएट अकाउंट करने के बाद कन्फर्म ईमेल करने के बाद आपको क्रिएट साइन इन पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सिंपली हमने साइन इन पर क्लिक कर दिया, हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना होगा, तो मैं एंटर कर देता हूँ। मुझे .com। ठीक है, और यहाँ पर हमने ईमेल पर कर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, हम पासवर्ड डाल देते हैं, हम अपना एंटर कर देंगे हम। तो देखिए हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, अभी वेरिफिकेशन कोड मांग रहे हैं आपको, जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था आप, तो उस पर वेरीफाई करा लीजिए। और मैं वाईफाई करा लेता हूँ बाय कॉल के थ्रू, बाय मैसेज के थ्रू, मैंने कॉल के थ्रू वेरीफाई करा रहा, मेरे पास कॉल आ चुकी है, मैं यहाँ पर कोड डाल दूँगा। और एंटर कोड कर दीजिए और हम वेरीफाई हो चुके हैं।
ठीक है, आपको वेरीफाई कराना होगा हर बार। आप तो या तो OTP के थ्रू करा सकते हैं, आप कॉल के थ्रू करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वेरीफाइंग हो रहा है, जस्ट वेट कीजिए। ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, हमारी वेबसाइट अब ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या होगा, सिंपली हमें डाउनलोड करना होगा सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो जब आप वेरीफाई कराएंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुलेगा इस तरह का, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का सॉफ्टवेयर खुलेगा, आपको दिख रहा है फ्री सॉफ्टवेयर, लर्न एंड टेक, कंपटीशन इवेंट्स, प्रिपेयर एंड एक्सेल सपोर्ट, ऑटो डेस्क एजुकेशन। आपको फ्री सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे फ्री सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, एक नया तरह का आपके सामने इंटरफेस होगा। ठीक है, देखो फ्री सॉफ्टवेयर आ गया है, ये ओपन हो रही है वेबसाइट, थोड़ा टाइम लग रही है, थोड़ा नेट बिजी चल रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, हमारा फ्री सॉफ्टवेयर हम क्लिक कर देंगे तो हम नीचे आना होगा। जी, हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर आ गए, रैबिट आप डाउनलोड कर सकते हैं, 3D Max, इंटर कैड डाउनलोड कर सकते हैं आप, माया डाउनलोड कर सकते हैं, और आप थोड़ा ऊपर कर दो एक मिनट। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, तो मैं क्या ऑटो कैड को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। मैंने ऑटो कैड पर क्लिक किया, आपको कैटेगरी अपनी स्टूडेंट चूज़ करनी होगी, अगर आपको कहीं भी कोई कैटेगरी मांगता है तो। ठीक है, तो प्रोसेसिंग हो रहा है, ऑटो गेट पर हम क्लिक कर देंगे, हम और दिखा दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं। ऑटो गेट पर मैंने क्लिक कर दिया, ऊपर ऑटो गेट हमारा खुल चुका है, उसको थोड़ा नीचे लाइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको क्या करना होगा, आपको क्रिएटेड अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, सॉरी, मैंने आपको ऑलरेडी आपको अकाउंट मैंने बना दिया है, ठीक है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या होगा, सिंपली बैक कर देते हैं, आपको डायरेक्ट लॉगिन में जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, वो छोड़ देना है आपको। ठीक है, आपको ना ही साइन इन करना है लॉगिन इन, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने लॉगिन करा चुका हूँ। आपको क्या करना, नीचे आना है और नीचे आइए, ये आपको दिख रहा है ना, ये डाउनलोड नाउ। ठीक है, आप सिंपली डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है, आपको डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर दीजिए। जब डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे आप, आपका इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पर क्या है चूज़ करना होगा, ये वर्जन कौन सा आपका वर्जन है वो चूज़ कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बाइट्स का है या फिर उससे ज़्यादा का है, आप वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर चूज योर वर्जन 2009, 2010, 17, 18 जो चूज़ होगा आपको वर्जन चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 32 बाइट्स का है या 64 का है, आपको सिंपली वो चूज़ करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इस पे से मेरे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसको रन कराना है, सिंपली रन कराएंगे आप और आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी, आपको इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपके कंप्यूटर में, देखो इस तरह से। ठीक है, तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपका जो है ऑटो कैड आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर में जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो, इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से कोई भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो इस तरह से आप अपना क्या है अपना ऑटो कैड या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनलोडिंग चल रही है, कम्प्लीट हो जाएगी, तो मैं आपको कम्प्लीट होने के बाद हमारा जो है कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। ये डाउनलोडिंग हो जाएगी आपकी कम्प्लीट, थैंक यू सो मच।